हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है एक नेचुरल शैम्पू के बारे में, मतलब होम मेड शैम्पू जो आप घर पे बना सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप जाइए उसे देखिए, पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में प्लीज़, और मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर आप एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देंगे और लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और पसंद आती है तो क्यों पसंद आई है ये भी करके मुझे बताइए, और पसंद नहीं आती है तो क्यों पसंद नहीं है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे शैम्पू की तरफ। तो आपको उसके लिए लेना है आंवला रीठा शिका का। अब ये शैम्पू है ना, आपको हेयर फॉल की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करेगा। देन अगर आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो गई, हेयर जो बाल जो आपके पतले हो गए हैं तो वो आपको थिक करेगा ये अपने बालों को। देन अगर आपको डैंड्रफ के इश्यू हो गए हैं, जो कि विंटर्स में और मॉनसून दोनों में ही हो जाते हैं, तो अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो भी ये शैम्पू जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। देन आपको अगर स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब दो मुँह के बाल प्रॉब्लम हो गई है, इससे क्या होता है ना, हेयर की ग्रोथ नहीं होती है तो उससे आपको प्रिवेंट करेगा। देन आपको प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग हो गई है, मतलब कि उम्र से पहले सफ़ेद बाल आ गए, ग्रे हेयर आ गए, तो उससे आपको प्रिवेंट करेगा। तो इंग्रेडिएंट्स में बता देती हूँ इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए आपको आंवला, मैंने मेंशन कर दिया कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देन आपको आपको चाहिए रीठा, रीठा आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। देन आपको चाहिए शिकाकाई, ये आपके बाल को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। ये तीनों आप ले लीजिए, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। उन तीनों को पाउडर कर लेना है, पाउडर भी अवेलेबल होते हैं, आप कोशिश करें कि पाउडर लें, क्योंकि घर पे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनमें ना सीड्स होते हैं और सीड्स को देन निकालना फिर पीसना तो मुश्किल हो जाता है, स्पेशली रीठा में तो गोल गोल बहुत बड़े बड़े सीड्स होते हैं। पाउडर ले लेना है, एक बॉटल ले लीजिए, बॉटल में पानी भर के अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ, ठीक है, तो उसमें फिर आपको डालना है ये पाउडर जो मैंने बताया है, ठीक है, आंवला रीठा और शिकाकाई, तीनों का पाउडर आपको बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। और आपको रात भर इसको भिगो के रखना है, रात भर भिगोने के बाद सुबह देखेंगे ना तो उसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन सा हो जाएगा। देन आपको इसको स्ट्रेन करके वॉश कर लेना है हेयर को। हेयर आपके साफ़ होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, नहीं तो सीधा आपके हेयर फिर धुलेंगे नहीं अच्छे से। अब ये शैम्पू क्या करेगा ना, आपके बालों को ब्राइट बनाएगा, नेचुरली ब्राइट बनाएगा, जो आपके बाल डल हो गए थे उन्हें ब्राइटन करने में हेल्प करेगा। तो आप मार्केट बेस्ड जो शैम्पू होते हैं कोशिश करें कि वो कम यूज़ करें, क्योंकि उनमें केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यूज़ भी करना चाहते हो तो माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करें कि वो नेचुरल है या नहीं, नहीं तो आप ये पहले यूज़ कर सकते हो। जो शैम्पू मैंने बताया वो काफ़ी अच्छा है आपके हेयर ग्रोथ में, हेयर फॉल कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आप और भी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे कि हेयर केयर रिलेटेड हो गई या फिर स्किन केयर रिलेटेड हो गई या फिर कोई प्रोडक्ट रिव्यू आप देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं वही वीडियोस बनाऊंगी जो आपको देखनी पसंद है। तो आप कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक करके कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको अच्छी लगी है या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।